मान्यता है कि ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकला जाता, खाना नहीं खाया जाता, पूजा पाठ नहीं की जाती, कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते और प्रेग्नेंट महिलाओं को खास सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसी के साथ ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कई लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्रों का भी सहारा लेते हैं। ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो ग्रहण काल में गायत्री मंत्र का जाप करते रहने से प्रत्येक राशि के सभी दोषों का निवारण हो जाता है। इस दौरान हनुमान चालीसा और हनुमान जी के मंत्रोच्चारण का भी विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव 108 दिनों तक रहता है, इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि चंद्र ग्रहण के दौरान जाप किया जाए। इस दौरान आप स्क्रीन पर आ रहे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहा जाता है कि ग्रहण के वक्त इस मंत्र का जाप शुभ होता है। माना जाता है कि इस वैदिक मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से किया जाएगा ये उतना ही फलदायक होगा। ग्रहण के दौरान दुर्गा सप्तशती कवच मंत्र का पाठ करना चाहिए जो इस प्रकार है। मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के दौरान पूरी तन्मयता और संयम से मंत्र जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दौरान अर्जित किया गया पुण्य अक्षय होता है। कहा जाता है कि इस दौरान किया गया जाप और दान साल भर में किए गए दान और जाप के बराबर होता है। चलिए अब आपको बताएं कुछ ऐसे दूसरे मंत्र जिनका ग्रहण के दौरान जाप करना अच्छा माना जाता है। बात करते हैं सबसे पहले गायत्री मंत्र की और ये मंत्र इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं महामृत्युंजय मंत्र की। इस मंत्र को भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये थे वो मंत्र जिनका उच्चारण ग्रहण के वक्त जरूर करना चाहिए।